हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर टर्न ऑफ ईवीएस। ओपन योर बुक चैप्टर 1 द फैमिली। लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 7 के न्यूक्लियर फैमिली तक पढ़ा था। आज उसके आगे से पढ़ेंगे अ सिंगल पेरेंट फैमिली। अ सिंगल पेरेंट फैमिली मीन्स होता है किसी की फैमिली में अगर कोई सिंगल पेरेंट यानी कोई एक ही पेरेंट होता हो या मदर या फादर दोनों नहीं होते हों तो ऐसी फैमिली को हम क्या कहते हैं, अ सिंगल पेरेंट फैमिली। और ऐसी फैमिली मीन्स होता है जैसे कि मान लीजिए किसी की मदर हो गई या फादर अनफॉर्चुनेटली वो उनसे अलग हो गई हो या किसी रीज़न से उन्होंने उनको खो दिया हो तो उनकी फैमिली में कोई एक ही पेरेंट बचता है तो ऐसी फैमिली को हम क्या कहते हैं, अ सिंगल पेरेंट फैमिली। इसमें राशि की फैमिली के बारे में बताया गया है। राशि की फैमिली में सिर्फ उसकी मदर है, फादर नहीं है। उसकी मदर ही उसे हर तरह से हेल्प करती हैं और उसकी केयर करती हैं। चलिए चैप्टर में देखिए, बुक में राशि लिव्स विद हर मदर। राशि अपनी मदर के साथ रहती है। हर मदर वर्क्स इन अ बैंक और उसकी मदर बैंक में जॉब करती हैं। राशि हैज़ अ पेट डॉग कॉल्ड चैम्प। राशि के पास एक डॉग है, पेट है, उसे वो किस नाम से बुलाती है, चैम्प। ओवर द वीकेंड शी विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स विद हर मदर और वीकेंड पर वो अपने मदर के साथ कहाँ जाती है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाती है। दे गो फॉर पिकनिक्स एंड मूवीज़ टुगेदर और वे सब जो है पिकनिक पर भी जाते हैं और साथ साथ मूवी देखने भी जाते हैं। राशि लव्स एनिमल्स। राशि को एनिमल्स बहुत पसंद है, वो उसे बहुत प्यार करती है। शी सेज और वो कहती है कि शी वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर व्हेन शी ग्रो अप और वो ये भी कहती है कि वो बड़ी होकर क्या बनना चाहेगी, एक डॉक्टर बनना चाहती है। नेक्स्ट पेज, केयरिंग फॉर ईच अदर यानी कि एक दूसरे की केयर करना, ये भी फैमिली का एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पॉइंट होता है जो हम सबको करना चाहिए, आपको लोग को भी करना चाहिए। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली टेक केयर ऑफ ईच अदर। जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेक केयर यानी कि देखभाल करते हैं ऑफ ईच अदर। ईच अदर मीन्स एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं। दे डू थिंग्स फॉर ईच अदर दैट शो दे केयर और वो एक दूसरे के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे शो होता है कि हाँ वो एक दूसरे की केयर करते हैं, ठीक है, उनकी हर तरह से हेल्प करते हैं हर काम में। शिप्रा'स ग्रैंडफादर हेल्प्स हर विद हर स्टडीज़ और शिप्रा के जो ग्रैंडफादर हैं वो उसकी हेल्प करते हैं किस चीज़ में, स्टडीज़ में, उसको पढ़ाई में, उसको होमवर्क कराने में उसकी हेल्प करते हैं। शिप्रा हेल्प्स हर ग्रैंड मदर पुट मेडिसिन इन हर आइज़ और शिप्रा क्या करती है, अपने ग्रैंड मदर की हेल्प करती है किसमें, पुट मेडिसिन इन हर आइज़, उनकी आँखों में मेडिसिन डालने के लिए। जैसे उनकी ग्रैंड मदर हैं वो ओल्ड हैं, ओल्ड लेडी है ना, तो उनकी आइज़ में मेडिसिन डालने में शिप्रा हेल्प करती है। राशि हेल्प्स हर मदर क्लीन द हाउस और राशि अपनी मदर की हेल्प करती है किसमें, क्लीन द हाउस, हाउस को क्लीन रखने में। राशिज मदर रीड्स हर अ स्टोरी ईच नाइट और राशि की जो मदर होती हैं वो हर रात में ईच नाइट उनको एक स्टोरी पढ़कर सुनाती हैं। राहुल गेट्स मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ ईच मॉर्निंग। राहुल गेट्स मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ ईच मॉर्निंग और राहुल जो है वो मिल्क बूथ यानी कि जो मिल्क जहाँ मिलता है, शॉप जो होती है वहाँ से वो हर इवनिंग को जाता है दूध लाने के लिए। राहुल्स मदर स्विचेस ऑफ द टेलीविज़न सो दैट राहुल एंड गार्गी कैन स्टडी और जो राहुल की मदर है वो टेलीविज़न यानी कि टीवी ऑफ कर देती हैं, स्विच ऑफ कर देती हैं जिससे कि राहुल एंड गार्गी कैन स्टडी, जिससे कि राहुल और गार्गी स्टडी कर सकें, है ना, उनके कोई डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट हेडिंग, हैविंग फन टुगेदर यानी कि फैमिली में एक पॉइंट ये भी होता है कि साथ साथ सब मिलकर फ़न करते हैं, इंजॉय करते हैं, है ना, हॉलीडेज़ पर या कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अ फैमिली स्पेंड्स टाइम टुगेदर, जो फैमिली होती है वो अपने आपस में मिल टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ छुट्टियों में। पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑफ्टन गो आउट टुगेदर और इस जो फैमिली में जो जितने भी मेम्बर्स होते हैं, पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए और जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं वो अक्सर बाहर कभी घूमने के लिए भी जाते हैं। दे वॉच मूवीज़, कभी मूवी देखने चले जाते हैं। ईट आउट या बाहर कभी खाने के लिए जाते हैं, जैसे लंच या डिनर के लिए कभी बाहर खाने का प्लान बना लेते हैं। और गो शॉपिंग और कभी कभी शॉपिंग के लिए भी जाते हैं। दे ऑल्सो हैव पिकनिक्स और अटेंड फैमिली फंक्शंस टुगेदर और वो पिकनिक पर भी जाते हैं और कभी कभी फैमिली में कोई फंक्शन होता है तो उसे भी साथ साथ अटेंड करते हैं, इंजॉय करते हैं, फ़न करते हैं। कज़िन्स आंट्स एंड अंकल्स हु स्टे फार अवे फ्रॉम होम
और उनकी फैमिली के कुछ कज़िन्स हो गए, आंटी अंकल हो गए, जो उनसे दूर रहते हों तो उनके घर से, तो कम टुगेदर फॉर फेस्टिवल वेडिंग एंड बर्थडेज़, तो वो भी साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। कब? फेस्टिवल्स पर या वेडिंग शादी में, एंड बर्थडे या अगर किसी का बर्थडे हुआ तो वो आते हैं मिलने के लिए। और इसी तरह से जो छोटे मोटे ओकेजन्स होते हैं तो इस पर सारी फैमिली जो हमसे दूर होती है वो एक बार फिर से साथ साथ हो जाती है। इसलिए फेस्टिवल हो गया या कोई फंक्शन होता है तो उसकी एक अच्छी बात ये भी होती है कि उस दिन उसी बहाने हमारी सारी फैमिली इकट्ठे हो जाती है। तो चैप्टर ओवर हो गया है, जो आपके पास बुक होगी तो आप भी उसको पढ़िएगा, ठीक है? फिर से स्टार्टिंग से चैप्टर रीड करिएगा। थैंक यू।